हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क ए पाथ ऑफ सक्सेस। मैं राकेश चौधरी आज आपके लिए लाया हूँ एलपी साइको टेस्ट में ब्रिक टेस्ट, जिसकी अपन बात करेंगे इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने से होगा क्या कि आपके जितने भी फ्रेंड या रिलेटिव है, अगर उन्होंने दो टेस्ट क्लियर कर लिए हैं एलपी के और सीबीडी 3 में पहुंचने वाले हैं, तो अगर आप उनको शेयर करेंगे तो आपके साथ वो भी लोको पायलट बन जाएंगे। यानी कि आप, आपके रिलेटिव, फ्रेंड सब एक साथ एक अच्छी पोस्ट पर जाने वाले। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अपन इस टेस्ट में। बता देता हूँ सबसे पहले क्या क्या रूल है इस टेस्ट में। ओनली एक रूल फॉलो करना है आपको कि कौन सी ईट है। जैसे कि एक ईंटों का ढेर आपको यहाँ पिक में दिख रहा होगा, बहुत सारी ईंटें दी हुई होगी, आपने देखा होगा कहीं पर गए होंगे तो बहुत सारी ईंटें इस जगह पड़ी होती है। तो उसी तरह से इसमें एक पिक में दिया होता है, जैसे आपने ड्राइंग पढ़ी होगी उसी तरह से इसमें ड्राइंग बनाई हुई होती है। तो इसमें आपको देखना क्या रूल क्या है, इसका मेन रूल देख लेना कि अगर कोई भी ईंट है, उस ईंट की अगर सतह किसी दूसरी ईंट से टच करती है तो ही उस ईंट को दूसरी ईंट से स्पर्श या टच माना जाएगा। अगर उस ईंट का कोना अगर किसी ईंट से टच करता है तो उसे उस ईंट के साथ स्पर्श नहीं माना जाएगा। और अच्छे से समझने के लिए अब मैं बताता हूँ। जैसे कि अपन बात करें ईंट नंबर बी की, अगर बात करते हैं, अगर ईंट बी की बात करूँ अब, तो इसे कौन कौन सी ईंटें टच करेगी। जैसे एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, ठीक है, और कौन सी हो जाएगी, ये दो तो अच्छे से टच कर रही है, और एक तीन नंबर ये हो जाएगी, चार ये हो जाएगी, पांच, इतनी ईंटें इसको टच कर रही है। अब इसको टच कौन कौन सी नहीं कर रही, यानी कि इस ईंट को, यानी ईंट नंबर सी देखिए आप, ठीक है, ये ईंट देखिए, इस ईंट का क्या यहाँ से कोना टच कर रहा है, ठीक है, कोना टच कर रहा है, तो इसको इस ईंट बी के साथ स्पर्श नहीं माना जाएगा। ये ऊपर सबसे टॉप पे जो ईंट दिख रही है ना आपको, ये भी बी के साथ स्पर्श नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इसका एक कोना टच कर रहा है, एक कोई भी इसकी मतलब सरफेस है वो टच नहीं कर रही, कोई भी एक साइड है वो उसको बी ईंट को टच नहीं कर रही, तो इस तरह से टच माना जाएगा। और सभी ईंटों का जो आयतन है, यानी आयतन हमेशा क्या होगा, सेम होगा फ्रेंड्स। इस तरह से मैं आपको चलता हूँ इन ईंटों के बारे में, एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले उस ट्रिक को ध्यान रखना है, ईंट में क्या होता है आपको पता है, जैसे ईंट में एक सबसे भाग होता है सबसे छोटा होता है, आपने देखा होगा, और एक ऊपर का भाग को अपन सबसे बड़ा और ये एक लंबा भाग। आपको क्या करना है इस टेस्ट को करने के लिए, सबसे पहले आपको क्या है, ईंट का सबसे छोटा भाग देखना है, जिस ईंट के बारे में पूछा उस ईंट का छोटा, फिर जिसके बारे में टच कर रही है वो सब छोटे भाग की ओर चलना है। इससे ही आपको, अगर आप और किसी भी तरीके से करोगे तो 100% कन्फ्यूजन हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। आप सबसे छोटा भाग देखिए ईंट का। जैसे ही चलते हैं अपन क्वेश्चंस की ओर, और इसमें होगा क्या, यानी इसमें टोटल आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक ईंट में आपको, यानी 10 ईंटें दी जाएगी जिसमें एक ईंट में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, यानी कि आप में जैसे इसमें देखे अपन ए बी सी डी ई, यानी 5 ईंटें दे दी अपने पास, ए बी सी डी और ई, इन ईंटों में पूछता है जैसे बी से कितनी ईंटें स्पर्श कर रही है, डी से कितनी कर रही है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको 1, 2, 3, 4 इनमें आंसर देने होते हैं। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। जैसे बात करें अपन सबसे पहले ए, ए ईंट कौन कौन सी से टच कर रही है, ए ईंट यहाँ है तो ये टच कर रही है, जैसे सबसे पहले ऊपर जाइए, एक ये दूसरी ईंट हो गई, ये तीन, और ये कौन सी, ये चार, यानी ए टोटल 4 ईंटों से टच कर रही है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें ईंट नंबर बी की, तो ईंट नंबर बी है वो कितनों से टच कर रही है, एक, यानी सबसे छोटे पार्ट की ओर ही जाना है अपने, दो, एक तीन और एक चार, यानी बी ईंट भी कितने से टच कर रही है, 4 से। अगर नेक्स्ट बात करें अपन नेक्स्ट ईंट नंबर सी पे चलते हैं, तो सी का सबसे छोटा, यानी सी ईंट ये हो गई, इसका छोटा भाग ये हो गया, तो इससे कितनी ईंटें स्पर्श करेगी सी से, यानी अब देखिए इस ईंट का, ये वाली ईंट इसका सबसे छोटा भाग, यानी एक ये हो गई, दूसरी नंबर ये हो गई, तीन, कितनी ईंटें स्पर्श कर रही है इसे, 3 ईंटें स्पर्श कर रही है। अब बात करें अगर अपन ईंट नंबर डी की, ईंट नंबर डी से कितनी ईंटें स्पर्श, डी यहाँ है, इसका सबसे छोटा भाग कौन सा हो गया, ये वाला, और उसके ऊपर आप देखिए कितनी टीचर करी है, एक नंबर ये हो गई, दो, तीन, एक ये हो गई, चार, एक ये, पांच, यानी टोटल डी से कितनी ईंटें स्पर्श कर रही है, 5।
अब अगर बात करें अपन ईट नंबर ई से, ईट नंबर ई कहाँ है, ईट नंबर ई ये रहा, इसका सबसे छोटा भाग देखिए आप, अगर यहाँ से देखो 100% कन्फ्यूजन हो गए, यहाँ से देखिए तो इस ईट से कितनी ईटें स्पर्श कर रही है, एक तो ये हो गई एक, दूसरी कौन सी हो गई, ये इसका छोटा भाग ये रहा। अब आप अगर यहाँ से देखोगे तो आपको दो ही दिखेगी, अगर आप इस ईट के यहाँ छोटे भाग से देखेंगे दो और ये किए तीन, यानी ई ईट से कितनी ईटें स्पर्श कर रही है, तीन, तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको जो भी ईट देखनी है उसका सबसे छोटा पार्ट देखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आप अब इसमें देखिए ए, ए वाली ईट कहाँ है आपको, ये रही, और इस ईट से कौन कौन सी ईटें स्पर्श कर रही है, दूसरी ईटें टच कर रही है, तो इस ईट से जैसे कि हो गया आपके सामने एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और तीसरी ये हो गई, और चौथी ए, यानी ए ईट से कितनी, चार ईटें स्पर्श कर रही है। वहाँ आपको क्या करना है, ऐसे लिखना नहीं है, लिखने अगर बैठ गए ईटों पे और स्क्रीन पे लिखो भी कैसे, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, यानी देख के एक नज़र से पकड़ना है कि कितनी ईटें टच कर रही है। ईट के सबसे पहले जिस ईट का पूछा है छोटा पार्ट देखिए, और उसके आसपास टच करने वाले जितने भी ईटें उसमें उसका सबका छोटा पार्ट देखिए। अब बात करें अगर बी नंबर ईट की, बी ईट की अगर बात करते हैं, बी नंबर ईट कहाँ रह गई आपकी, ये रही, इसका छोटा पार्ट ये हो गया, इससे कौन कौन सी टच कर रही है, तो इससे एक ये हो गई, दूसरी ऊपर वाली, थर्ड ये, यानी कि तीन ईटें इससे टच कर रही है। नेक्स्ट ईट है ईट नंबर सी, ईट नंबर सी से कितनी कर रही है, इसका छोटा पार्ट ये है, इसके ऊपर एक, और ये इसका कोना लग जाएगा, ये ईट देखिए सी से टच नहीं करेगी, और दूसरी ईट कौन सी, ये हो जाएगी, यानी टोटल दो ईटें स्पर्श कर रही है। बात करें नेक्स्ट अगर ईट नंबर डी की, ईट नंबर डी ये रही, इसका सबसे छोटा पार्ट कौन सा होगा, ये, इससे कौन कौन सी ईटें टच कर रही है, ईट नंबर ई एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, थर्ड ये हो गई, यानी ईट नंबर डी से कितनी ईटें टच करेगी, चार, ये चौथी ईट, यानी टोटल चार ईटें स्पर्श करेगी। बात करें अगर ईट नंबर ई की, ईट नंबर ई कौन सी हो गई, ये, इससे कौन कौन सी ईटें टच करेगी, देखिए डी जो ईट दिख रही है उसका छोटा पार्ट एक तो ये हो गई, एक इसके नीचे हो गई, दो ईटें स्पर्श करेगी ईट नंबर ई से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी आपको एक क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड के बीच करना होगा, जल्दी जल्दी स्पीड से, क्योंकि इस तरह के आपके पांच सेट आएंगे, यानी एक ईट ऐसे मिलके पांच से 50 क्वेश्चन आएंगे टोटल, और 5 मिनट लगनी चाहिए उन सब में। नेक्स्ट करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे आप पहले सबसे पहले देखिए ए ईट कहाँ है, ए ईट ये रही, और इससे कौन कौन सी टच हो रही है ए ईट से, तो ए ईट से टच होने वाली जो है एक तो ये हो गई, सबसे ऊपर चलते हैं, एक तो ये हो गई, दूसरी, थर्ड और फोर्थ, यानी ए ईट से टोटल कितनी हो रही है, चार। अब बात करें नेक्स्ट अगर बी ईट की, बी ईट कहाँ दिख रही है आपको, यहाँ बी ईट से कितनी ईटें टच हो रही है, ऊपर जाइए, एक, दो और तीन, यानी टोटल तीन ईटें टच हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सी ईट की, सी ईट कहाँ दिख रही है आपको, सीट ये रही, इससे कौन कौन सी हो रही है, सीट का सबसे छोटा पार्ट कौन सा होगा, ये वाला जो यहाँ दिख रहा है ये, तो इससे टच होने वाले देखिए एक तो ऊपर, एक, दो और एक, तीन, यानी सीट से भी कितनी हो रही है, तीन। अब देखिए ईट नंबर डी, ईट नंबर डी कहाँ नीचे नीचे दिख रही है आप, इससे कौन कौन सी हो रही है, एक, दो और तीन, ईट डी से भी तीन। अब ईट ई पे चले, ई ईट कहाँ दिख रही है आपको, टॉप में, इससे कौन कौन सी ईटें टच हो रही है, यानी एक तो ये ईट हो रही है और ए एक ई है, यानी टोटल दो ईटें स्पर्श हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, काफ़ी स्पीड से करना पड़ेगा, ऐसे तो अपने को भी काफ़ी टाइम लग जाएगा इन सबको करने में। जैसे बात करें अपन, मैं अगर ऐसे डायरेक्ट करना चाहूँ तो इसको, जैसे मैं आपको एक बार एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, इससे अगला क्वेश्चन करेंगे अपन, या ये कर देता हूँ, जैसे ए ईट को आपको मैं करता हूँ, कितनी स्पीड में होता है, ए ईट छह से स्पर्श कर रही है, चार से, सी चार, डी फाइव, ई सिक्स, तो ऐसे इतनी स्पीड में आपको करना पड़ेगा हर क्वेश्चन। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी ए नंबर ईट कहाँ दिख रही है आपको, यहाँ दिख रही है, इससे कितनी ईट स्पर्श हो रही है, तो सबसे पहले टॉप पे जाइए, तो एक, दो, तीन, चार और एक, बी नंबर, यानी टोटल
पांच ईटें ए से स्पर्श कर रही है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं बी ईट की, बी ईट कहाँ दिख रही है, यहाँ सबसे पहले टॉप में जाएगी, एक दो तीन। अब नीचे वाली ईट अगर यहाँ से देखोगे तो आपको चार ईटें ही दिखेगी, इसका लंबा भाग ये देखोगे तो। आपको क्या करना है, इसके छोटे भाग पे जाइए, ये चौथी ईट हो गई। अब इसके जाओगे तो आपको ये ईट भी दिखेगी और ये ईट भी इसको पीछे की साइड लंबी जा रही है तो यहाँ टच पीछे की साइड टच करेगी, यानी टोटल कितनी ईटें हो जाएगी, पाँच। नेक्स्ट बात करें अगर ईट नंबर सी की, ईट नंबर सी कहाँ दिख रही है, यहाँ, इससे कितनी टच हो रही है, एक तो ये हो रही है, एक एक दो, एक ये हो जाएगी तीन, एक ये हो जाएगी चार, यानी सी से कितनी हो रही है, चार। अगर डी से बात करें अपन, डी नंबर ईट से कितनी हो रही है, तो डी कहाँ दिख रही है, ये वाली दिख रही है, इसका सबसे छोटा पार्ट, डी से कितनी हो रही है, ऊपर जाइए, एक दो तीन। अब नीचे आ जाइए, इस ईट का सबसे छोटा पार्ट चार और ये पाँच, यानी डी से भी कितनी हो रही है, पाँच। अगर बात करें ईट नंबर ई की, ईट नंबर ई कहाँ दिख रही है आपको, टॉप में, ठीक है, इससे कितनी ईटें स्पर्श हो रही है, इससे ओनली दो ईटें स्पर्श हो रही है। तो इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन को करना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसको जल्दी से जल्दी करिए। अब देखते हैं इसमें ए ईट कहाँ दिख रही है आपको, ए यहाँ दिख रही है, इससे कितनी ईटें स्पर्श हो रही है, एक दो तीन चार और पाँच, यानी टोटल कितनी ईटें स्पर्श हो रही है, पाँच। नेक्स्ट देखिए अपन अगर बी ईट, बी ईट कहाँ दिख रही है आपको, नीचे, इससे कितनी हो रही है, एक दो तीन। अब इस ईट का देखिए नीचे चले जाइए, चार और पाँच, यानी बी ईट से भी कितनी हो रही है, पाँच। बात करें अगर सीट, सीट दिख रही है आपको, सीट कहाँ है, ये वाली, अब इससे कितनी हो रही है, एक दो तीन और चार, यानी सी से कितनी हो रही है, चार ईटें स्पर्श हो रही है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन ई ईट की, ईट कहाँ है, ये वाली, ठीक है, ई ईट से कितनी हो रही है, ऊपर चले जाए, एक दो, ये बी वाली ईट भी होगी, तीन चार और पाँच। सब पहले अपन ने ईट देख लिए तो ईट का आंसर क्या हो जाएगा, पाँच। और अपन डी, अब देखते हैं डी को, ठीक है, डी के कितनी ईटें स्पर्श कर रही है, डी वाली कहाँ है, ये बीच में, इसे कितनी हो रही है, एक तो ऊपर वाली, एक दो तीन चार और एक ये पाँच, टोटल कितनी ईटें हो जाएगी, ये इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को देखिए आप, यानी ए नंबर जो ईट है वो कहाँ है, ये आपको दिख रही है, ये वाली, इससे कितनी ईटें स्पर्श कर रही है ए ईट से, तो देखिए एक तो ये हो गई ऊपर वाली, एक दो तीन चार। अब अगर आप इस ईट का ये वाला पार्ट देखेंगे तो आपको एक ही ईट दिखाई देगी, अगर यहाँ से छोटे वाले पार्ट से देखेंगे, एक दो, यानी टोटल कितनी ईटें स्पर्श हो जाएगी, पांच ईट। नेक्स्ट ईट देखते हैं बी ईट, बी ईट में सबसे छोटा पार्ट ऊपर जाइए टॉप में, ये वाला हो गया, तो इससे कर रही काउंट, एक ईट ये हो गई, दो और एक नीचे वाली, यानी टोटल तीन ईटें स्पर्श करेगी। अब देखिए ईट नंबर सी, ईट नंबर सी कहाँ दिख रही है आपको, यहाँ, इससे देखिए कितनी ईटें टच कर रही है। सबसे पहले आप ऊपर टॉप पे देख लीजिए कौन कौन सी कर रही है, एक तो ये कर रही है, दो, एक ये वाली हो गई तीन, ये हो गई चार, पाँच, पाँच हो गई और एक ये वाली हो गई, ये ईट टच नहीं करेगी, यानी टोटल छः ईटें सी को स्पर्श कर रही है। बात करें अपन अगर डी ईट की, डी ईट कहाँ दिख रही है आपको, यहाँ, इससे कौन कौन सी कर रही है, डी से सबसे पहले इसके छोटे पार्ट, यानी एक तो ये कर रही है, एक एक ये वाली, दो तीन चार, यानी डी ईट को कितनी ईटें स्पर्श कर रही है, चार। और नेक्स्ट अगर बात करें अपन ईट नंबर ई की, ईट नंबर ई कहाँ दिख रही है आपको, यहाँ, इससे कितनी ईटें स्पर्श कर रही है, तो ई से देखिए ऊपर दो, ठीक है, एक ये तीन, एक ये चार और एक ये पाँच, यानी टोटल पाँच ईटें टच कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, इस क्वेश्चन को भी अपन जल्दी से करता हूँ, आप इसको ट्राई करना जैसे अपने तरीके से करता हूँ, तो मैं कितना स्पीडली करता हूँ देखिए, ये मैं पाँच, एक दो तीन चार पाँच, बी में पाँच, एक दो, सी में दो, डी में एक दो तीन चार, तीन।
इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करके बताना, अगर आपसे होता है तो कितना स्पीड होता है, 30 सेकंड में एक क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये सब वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।